देखो जी, हम तो स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, हम ये ऐवी शादियों में आते नहीं है। पर अब क्या करूं, सोचा कि पहले बचपन की दोस्त थी, मैंने कहा ठीक है यार आ जाते हैं, पर मैं ना फिर भी स्टैंडर्ड देख के आती हूँ। मैंने कहा देखो शादी में वो एसी वैसी है कि नहीं, तो गर्मी में से सह नहीं जाती बिल्कुल भी। माना कि ठंडी आ गई है बट फिर भी आप समझो ना, हमको आदत हो चुकी है ना सर्दियों में फिर एसी चाहिए, हर जगह एसी चाहिए। मैंने पिछली बार अपना फ्लैट है ना वो चंडीगढ़ वाला, मैंने अपने नौकर के नाम कर दिया। मैं कहा तू भी रहे मजे ले, स्टैंडर्ड तो बना के रखो, कम से कम नौकर भी स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए, है ना जी। डेकोरेशन तो ठीक ठाक ही की है बट फिर भी कमी तो छोड़ ही दी। पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पे बुला लिए हैं जिनको पहनने का सलीखा भी नहीं है। पता नहीं लो मिडिल क्लास से लोग हैं यहाँ। छोड़ो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अपनी साड़ी अच्छी लग रही है, बस तैयार हो गई नहीं अच्छे से, सबको दिखाना है मुझे। किसको पकड़ूँ किसको पकड़ूँ। अरे बहन जी, हाँ मिल गई। तो भाभी जी कैसी हैं आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, चंगी हूँ, भली हूँ, नए कपड़े पहन के आई हूँ। अच्छा आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया ही हूँ जी। अच्छा तो मैं ये कह रही थी शादी का फंक्शन बड़ा अच्छा किया है उन्होंने। नहीं जी नहीं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं क्या कर रखा है, लाइटनिंग इतनी डल बना दी है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ गई हूँ मैं जी। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया पता नहीं। और खाना देखा आपने? हाँ खाना मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट ही तो नहीं था, रोटी देखी आपने जली हुई है बिल्कुल, बताइए। अच्छा क्या पता आपको जली हुई दे दी हो, मुझे तो अच्छी दी थी। नहीं नहीं बहुत बकवास रोटियाँ थी। और आपने दाल चखी? दाल मखनी? हाँ बहुत अच्छी थी, दाल मखनी में तो मक्खन ही निकल है जी। अच्छा पता नहीं कैसे कैसे खाना बना देते हैं यहाँ के, इन्होंने ढंग का ना वो केटरिंग सर्विस में बहुत जल्दी डाउन है। मैं बता तो रही हूँ ना, सस्ते में निपटाने की कोशिश करी है। तो एक ही तो बेटी है इनकी, एक ही बेटी के चक्कर में फिर भी इतना सस्ता हमें निपटा ही दिया ब्याह। देखिए आप देखा बड़ा स्मार्ट सा धुला है ना, छी इतना अथू ऐसा धुला रहा है, बताओ इतना काला धुला है। वो लड़की इतनी गोरी, लड़की के तो भाग्य फूट गए, इतना काला धुला, हे भगवान। वैसे मैं भेदभाव नहीं करती कलर वलर में, ऐसी बात नहीं है, हर कलर बढ़िया होता है, देखना तो चाहिए ना, कोई मैच भी देखना चाहिए जी। हाँ वो भाई साहब नहीं आए? अरे वो अमेरिका गए, आपको बताइए कितना काम है उनको, इतना टूर। अच्छी बात है अमेरिका जा रहे हैं, बहुत अच्छी। हाँ पिछली बार वहाँ गए थे लंदन। अच्छा हाँ भद्दा डेकोरेशन किया। आप ये देखो जो कोऑर्डिनेशन मैंने सोचा था कि पिंक के साथ वाइट चलना चाहिए था जी। बताओ उस पर फ्लावर ही नहीं लगाया, मैंने कहा था इस बार रोज के फ्लावर होने चाहिए, उस पर गेंदे का फूल भी होना चाहिए। भाई साहब आप ही को बुला रहा हूँ, वो आपके साइड में जो रसगुल्ले रखे ना, नहीं रसगुल्ले के साइड में वो जो मूंग दाल हलवा है ना, नहीं उसकी साइड में साहब चीला जो है, चीला की जस्ट साइड, वो तो डोसा आ गया, डोसा के पास थोड़ा साइड में। हाँ भाई गाजर का लो, हाँ वही वही दे दो भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब। खा लो, मैं ना बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, मैं तिलमिला जाता हूँ, मैंने खाना नहीं मिलता ना, पता लग रहा होगा आपको। अंकल हमारा अंकल आइसक्रीम ला दो ना, अंकल आइसक्रीम। हाँ बेटा ले लो आइसक्रीम, कोई ना लगेगा कोई भी नहीं दे रहा अंकल, आप भी ला दो ना अंकल। नहीं नहीं कोई नहीं भाई साहब, आइसक्रीम अंकल। आजकल के बच्चे ऐसे भाई साहब, कोई बात मैं दिलाती हूँ, आप ही पकड़ो बेटा। भाई साहब देखो बच्चे के लिए थोड़ा आइसक्रीम दो, मेरे लिए भी कर देना, मुझे बहुत पसंद है आइसक्रीम। जल्दी कर दो, बहुत भूख लग रही है ना, मैं भूखा रहता हूँ ना, मेरा टेम्पर हाई हो जाता है। धन्यवाद लो। थैंकू अंकल। मैं बिलो रहा है भाई साहब, जल्दी इसमें छोले पूरी और कच्चा कलर सब डाल दो भाई साहब, बिलो रहा है। छोले भटूरे खत्म हो गए ठीक है, फ्रूट्स रख दो फ्रूट्स, जल्दी भाई साहब जल्दी। खाता नहीं ना बीपी लो हो जाता है, टेम्पर हाई हो जाता है। और खाने में क्या बनाए? नहीं मतलब दाल मखनी और मिर्ची पराठे बने, भाई साहब मजा आ जाएगा। हमारे इंडिया में कितनी कितने स्टेट है भाई साहब? 29 कितनी, मतलब छोड़ जितनी भी है आप, मैं उतनी जगह जा चुका हूँ भाई साहब, मैंने हर जगह की स्पेशलिटी दिखा चुका हूँ। हाँ भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ, देखो राजस्थान का दाल बाटी चूरमा मैं हमेशा पॉकेट में लेके चलता हूँ। और बताओ वो लड़के के घर से क्या है, मतलब खाने में दहेज की बात, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मुझे खाने बताओ सर, खाने में कुछ नहीं पता। अरे यार मैंने तुम्हें बताया था यार, बहुत ज्यादा डीजे की आवाज आ रही है, मैं अरे तुम समझो यार, बता नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ तुम्हें क्या। भाई साहब तुम अपनी मेरी भी बात करो ना,
संभाल लिया सब कुछ, तुम बस मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ घर पहुंच जाऊंगा। अभी कितने बज रहे? अभी 10 बज रहे ना, मैं 12 अभी तक आ जाऊंगा। 2 घंटे तो देखो लग जाती है भाई की। कजन की शादी है। देखो तुमसे ये कह रहा हूँ, देखो ऐसे कैसे मना कर दो, देखो भाई है ना मेरा, ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट ही हो गया ना यार, मैं बचपन से जानता हूँ मैं तो, तुम ऐसे कैसे। नहीं देखो तुम मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ ना आ जाऊंगा 12 बजे तक, खाना कुछ लाना है तो बता दो, हम समझा देते हैं। नहीं भाई तो मुझे तुम रख, तो मेरा फोन रखो, तुम्हारे से बैग बना दे देसी का एक, मैं तेरे भाभी से बात कर लेता हूं। तू फोन रख, तू फोन रख, कि तेरी चैन क्यों नहीं है? मैं जब कह रहा हूँ बंदी से बात करो, बस मेरी बीवी से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ गया? फोन दे भाई मेरा तू। हाँ वो ठिकाने लग गया, मैं घर पहुंच रहा हूँ अभी। तुमसे कितनी बार कहें फोन मत किया करो शादी में, मैं कह रहा हूँ पहुंच जाऊंगा घर। नमस्ते जी, माई सेल्फ दुल्हन की माँ बेचारी। देखो जी एक ना एक दिन बेटे को जाना होता है, पर आपको क्या पता क्या दुख होता है जी। भगवान करे किसी की बेटी की शादी ना हो, नहीं हो शादी पर लड़का ना घर जमाई बन के रहे, मेरे से नहीं दूर रहा जी। घर का काम भी तो करती थी मेरी बेटी, नहीं ऐसी बात नहीं, घर में नौकर भी है पर माँ बाप की सेवा तो करनी होती है ना जी, बेटी तो बेटी होती है। बेटा भी है मेरा एक, बहुत काम चोर है। मैंने सोच लिया घर जवाई नहीं बनेगा ना दिमाग, मैंने चले जाना है, वहीं सेटल हो जाना है, बहुत काम करने हैं मैंने, ऐसे बात तो नहीं कर सकती ना आपसे। बहुत लड़की की विदाई भी होनी है मेरी, खर्चा पानी भी देखना है, तो हजारों लोग आए नुक्स निकाल रहे होंगे शादी में, उनको क्या पता जी खर्चा कितना होता है बेटी की शादी में, उनके तो मुँह चलते रहते हैं। हाँ जी आ रही हूँ आ रही हूँ, आपकी बात। Hey guys, thanks for watching this video. We hope you guys enjoyed this video. And if you did, you know what to do, right? Hit the like button. And don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And also hit that bell icon so you'll be notified whenever we post new videos. And let us know in comment section ki aapko bhi aise log shaadi mein milte hain kya? And let us know ki agar ye to milte hain, theek hai. But iske alawa jo bhinne bhinne prakar ke log aapko milte hain. So in comment section ताकि हम भी मजे ले। And let us know which part you like the most in this video. And also let us know कि आप कौन से चाहते हैं वीडियो हम जो कि बनाएं फ्यूचर में। So see you soon. Till then, bye bye.